और जी हमारा पहला डोसा जो है खराब हो गया है। पहला डोसा हमेशा खराब होता है तवे पे, पर अभी नहीं होता था ना कई दिनों से। हाँ, आज हमने ब्लॉगिंग करते करते पहला डोसा जो है खराब कर दिया, अब हम दूसरा बनाएंगे वो बढ़िया बनेगा, क्यों मम्मी? हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कूल जी बस। तो जी नए दिन की नई शुरुआत हो गई है और इस टाइम सुबह के बज चुके हैं 8:30। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं और साथ में आ गया मेरा बेबी, और आज इतनी ज्यादा ठंड है ना, बहुत ज्यादा। सुबह आज तो बस नींद ही नहीं खुली। तो जी बस अब रेडी हो गए हैं जाने के लिए, हमारा नाश्ता पैक हो गया है। जाए आरम हुआ जाए करोना कह रहा, करोना में नहीं जाना बाबू, दो चार काम है बुआ को वो निपटाने आज, तो आज तो जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जी चलते हैं फिर, पहले लेट हो रहे हैं और आज भी जो है गाड़ी वो ही दूर कहीं खड़ी है और वहां तक आपको सुबह सुबह ठंड में पैदल जाना पड़ेगा। तो जी आप मिल सकते हो सुबह सुबह मम्मी से और आरू से। आरू भी सुबह सुबह आजकल उठ जाता है, क्या बात है। अगर हाँ, अगर क्लास नहीं है, स्कूल जाना तो नहीं उठेगा इतनी जल्दी, है ना? उठ जाऊंगा। जल्दी इशू नहीं उठता था, है ना? जो मुझे नहीं बताना था। सांभर डोसा खाऊंगा। आप डावा सांभर डोसा खाओगे? हाँ जी, क्यों नहीं खाएंगे। ठीक है, तो आज सांभर डोसा बनेगा, आप आओगे तो बना देंगे। चलो जी ठीक है। तो जी आप मिल सकते हो सुबह सुबह, आज तो भाभी भी जाग रही है। तो ये भाभी अब अपना ब्रेकफास्ट किसके लिए? अरे यार सुबह सुबह कह रहे हैं ब्रेड खानी है। अच्छा, और वैसे क्या बना रहे भाभी आज दिन में? भी हमने तो अभी अपने आलू मटर बना लिए। बन गए? मैंने तो आलू मटर बना लिए, बाकी सांभर डोसे की भी फरमाइश है, देखते हैं कब बनता है। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के बाद ही बनाना शुरू करेंगे उसको। तो चले फिर मम्मी। हाँ जी बाय। और अच्छी खासी ठंडा आज तो भाई। हाँ, है ना? हाँ, ठीक। तो बस अब चलते हैं जी, लेट हो रहे हैं। जितना मर्जी सामान ले लो फिर भी एक दो बैग साथ में एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। हाँ। तो चले फिर। ओके बेबी, बाय बाय बाय। तो जिस सुबह मैं और मेरी गली और साथ में मेरा जानू भोग रहा है, तो जानू कह रहा है मत जा आज मत जा। मैंने कहा भाई जाना भी जरूरी है। तो बस जी ठंड तो नहीं है, घर के अंदर ही लग रहा था कि ठंड है, बाहर तो नहीं लग रही। चलो जी चलते हैं टमटम तक, कम से कम 10 मिनट चलना है फिर टमटम मिलेगी। ये देखो जी रास्ते कैसे कैसे ब्लॉक करे हुए हैं, जिस वजह से गाड़ी जो है आ नहीं पा रही और ड्राइवर को दूसरे रास्ते पता नहीं है। तो ऐसे हर जगह करा हुआ है इस वजह से। ये देखो पैदल के लिए भी कितना सा रास्ता छोड़ा है लोगों ने। अरे क्या, टू व्हीलर वाले फिर यहाँ से भी आते, सड़क ख़राब करते। सड़क बनी होगी शायद, और बन गई तो अच्छी बात है। तो सड़क बनी है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने रास्ते ब्लॉक करे हुए हैं। 3-4 दिन मैं भी आई नहीं थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो सड़क बन गई, बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी यहाँ से, बीच में सीवर थे तो गाड़ी अंदर, कभी ये भी डर था कि गाड़ी कहीं सीवर के अंदर ही ना चली जाए। तो जी सुबह सुबह की सैर के बाद अपनी टमटम, चलो जी चलते हैं अब अपने टमटम पे। सुबह सुबह हालत ख़राब हो गई है, ज़बरदस्ती वाली वॉक हो गई है आज तो। चलो जी चले। टी मेरी वेट में देख रहा है कि मैं बहुत दिनों में आई हूँ, उससे मिलने भी बाहर खड़ी हूँ, जैसी आ गई ऐसे ही आ गया। आज बीबी और ये टी ये लाद लड़ा रहा है मेरे बाबू। हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ टपी, क्या हुआ है? डांट रहा है। चलो चले चलो 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 चलो। आपको मोर दिखा सकते हो, ये उड़ गया, ये उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, पेड़ में जाके बैठ गया। पूरा मोरों का झुंड था यहाँ पे, मतलब 4-5 मोर बैठे थे और एक एक करके सारे उड़ गए। तो यहाँ डेली होते हैं, बहुत कम होता है इन्हें शूट कर पाऊँ, आज थोड़ा बहुत कर लिया मैंने। तो जी 2 बज गए हैं और हो गया छुट्टी का टाइम, चलते हैं अब घर। आज मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है, आज इतना मतलब मुझे लग रहा था कि मौसम में इतनी ठंडा गया कि आज मैं साड़ी भी नहीं डाल के आई, मैंने कहा ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। तो जी आज धूप का नामो निशान नहीं है, ड्राइवर साहब आ रहे हैं पीछे पीछे। तो बस चलते हैं अब घर, घर जाएंगे अपना बेड अपना बिस्तर,
ठंड से बचो भाई। तो जी मैं घर आ गई हूँ और मम्मी अपना जो मम्मी काम कर रही होती मम्मी अपना किचन में है। ओहो मम्मी ने शॉल उतार दिया कि मम्मी ने वीडियो में आना है तो भाई शॉल उतार दूँ। हाँ मम्मी इधर देखो पीछे। हाँ जी कैसा दिन गया आज का? बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छा, क्या बना रहे हो? अब आपके लिए डोसा बनाना था, आपने खाया नहीं। हाँ मैंने डोसा शाम को खा लूँगी, फिर मैं फुल्का बना रही हूँ। तो फुल्का साथ चावल भी होंगे? थोड़े से चावल भी है। हाँ सांभर चावल खा लेंगे। सांभर चावल है, आलू मटर बढ़िया है। और सूखे आलू बनाए थे। पनीर नहीं बनाया? पनीर मिला ही नहीं, वो गया था लेने। मुझे वो सिरप बोला था लाने के लिए, मैंने 4-5 जगह पे मतलब गाड़ी रुकवा के बोला ड्राइवर को भी, देख ले कहीं नहीं मिला। घर में आने के बाद घर 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 आज तो मम्मी बहुत ठंड है, मतलब धूप नहीं निकल रही आज। ठंडक मतलब हवा नहीं है, नहीं धूप नहीं है, हवा नहीं है, लेकिन मतलब ठंडक है आज मौसम में। हमें क्या जो है, हमने तो जाके बिस्तर में घुस जाना है। मम्मी अब 1 बजे बिस्तर में, मतलब मम्मी बढ़ेगी बिस्तर में और मम्मी सवेरे उठेगी अब 6-7 बजे। मम्मी अपना ठीक है भैया, मम्मी डोसे भी तो बनाने आऊंगी। आज ही आओगे ना? हाँ। नू के राज में राज कर रही है मम्मी। सही बात, नजर ना लगाई तू टच वुड। और आप देख सकते हैं जानू अपना खाना खा रहा है। अब जानू को ये लग रहा है कि ना कहीं मैं उसका खाना ना खा जाऊं, इसलिए वो खाना खा रहा है, वरना वो अभी खाए ना खाना। जानू है ना अभी मुझे देख के, अब ये सोचिए देख लो। जानू दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे जानू, ये देख लो ये अब खा रहा है। तो आप मिल सकते हैं ईशु से। ईशु हमें जब मिलता है ऑरेंज खाता हुआ मिलता है। ईशु को फ्रूट अच्छा नहीं लगता? मेरे को कुछ नहीं खाना, मेरे को ऐसे जाना है। कहाँ जाना है? ऊपर। वो तो अब धीरे धीरे जब चलने लग जाएगा तो जाएगा ना। और ईशु आज भी नाराज है, ईशु को आज भी पाव भाजी नहीं मिली है। आपने बोला था लेकर आऊंगी, तो आपने पाव मंगवा के क्यों नहीं रखे? पर गलती तो आपकी है, कल रात को बोल रहे थे मैं कल जब जाऊंगी ना खुद लेके आ जाऊंगी। हाँ बस फिर मैं गई नहीं। और भाभी आज तो नहा धो के बैठे हुए हो, आज तो व्लॉग में ले सकते हैं। वो तो सुबह भी ले लिया था बिना नहाए धोए भी। हाँ सच्ची, वो तो कल का था ना, आज तो ले ही लिया था। तो आप क्या रेस्ट, खाना पीना हो गया? सारा काम हो गया, लेटेंगे थोड़ी देर। हाँ फिर? फिर इनको लेके बैठेंगे थोड़ी देर, पढ़ाएंगे, पेपर चल रहे हैं भाई साहब के। तो जी इस टाइम रात के बज चुके हैं 8 और अपना हो गया डिनर का टाइम। इतनी ज़्यादा सर्दी है ना आज तो, मतलब बिल्कुल बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। अब मैं मम्मी को बोल रही हूँ, जानू यहाँ आ जा, अब मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि आज हम नीचे शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि बहुत ठंड है ऊपर, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं तो नहीं लग गया, नहीं मुझे तो लग रही है मम्मी, मतलब बिस्तर भी ठंडे हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ आज हम नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, सुबह देखेंगे अब कल जाएंगे नहीं जाएंगे। तो जी आज की रात नीचे ही है और अब हो गया डिनर का टाइम। तो अब मम्मी के हाथ का डोसा, क्योंकि मेरा तो बनना ही नहीं है, मेरा तो खराब होगा ही होगा। तो बस सांभर बना हुआ है, आलू बने हुए हैं और मम्मी बनाएगी डोसा, साथ में है चटनी। तो आज का डिनर जो है वो मम्मी की तरफ से है। भाभी कुछ कहना चाहेगी डोसे के लिए? नहीं जी कुछ भी नहीं, मैं खाती ही नहीं इसलिए मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगी। तो बनाएगा कौन, आप बना नहीं सकते हमारे लिए? अब मम्मी नीचे आ गई है, मम्मी बना लेगी, मम्मी ना आती तो मैं बना देती। पर आप मुझे क्या कह रहे थे फोन पे कि मम्मी बनाएगी, क्योंकि मम्मी के हाथ के तुम खाते हो, मेरे हाथ के नहीं खाते हो। तो फिर आप नहीं बना रहे ना? मम्मी अब आ गई हो तो बनाओ, अच्छा है ना? नीचे आ गई हो तो नीचे सो जाओगे। हाँ। ना नीचे आते, बहुत ठंडा है, ना नीचे आते तो फिर ना नीचे सोते। और ये जानू ठंड में बैठ गया है, भाभी बोल रही है जानू तुझे बिल्कुल अपनी सीट पे रहना है। वो देखो मुंह उधर कर लिया उसने, मैं मारूंगी पकड़ के मेरे पीछे से, तो तूने मजे कर लिए बेटा, अब नीचे चढ़ियो। अब तूने बेड पे नहीं चढ़ना जानू, जब तक हम नीचे रहेंगे, सुन रहा है? जब तक हम नीचे रहेंगे तूने अपने बेड पे रहना है, समझ में आ रही है बात तुझे? बेइज्जती कराता रहता तू मेरी, देख इधर, इधर देख जानू, बेइज्जती नहीं करानी तूने मेरी। मेरे को मत देख, भाभी को मत देख, तू मुझे देखा कर बस। तो मम्मी डोसे बनाते हुए, बढ़िया वाले डोसे बन रहे हैं मम्मी से। ये देखो जी हमारे डोसे। तो बस जी मम्मी के हाथ के यम्मी यम्मी डोसे। मम्मी डोसे बनाने कितने सिखाए थे? मम्मी तूने सिखाए थे? बताओ ना किसे सिखाए थे? अपने आप बोलो ना, सीखे मासी से सीखे। हाँ वही तो पूछ रही ना, मतलब क्रेडिट तो दे दो मासी को, गुस्से में आ रहे हो मम्मी। नहीं नहीं गुस्से में नहीं, वो मम्मी बिजी हो रही है, भाभी बर्तन मांज रही है। ये देखो सबसे नीचे देख लो मम्मी के पास। मासी ने सिखाए थे? हाँ मासी ने सिखाए थे। मासी मैरोनी में बुलाती होती थी, मैं देखती रहती थी।
तो इस वजह से ठीक आ जाते, कभी ठीक हो जाते, कभी पहला खराब होता है, कभी नहीं होता, पर अब तक करीबन ठीक हो जाते। अब ये पता भगवान जाने कैसा बनेगा है, पर अच्छा ही लग रहा है। देखो जी हमारे दोस्त का मासी तो बहुत ही अच्छा बनाती है, मासी एक्सपर्ट हो गई है बना बना के डेली। उनका तो वीकली का यही है डोसा। हाँ उनका भी हर संडे को बन ही जाते हैं, चाहे दो बार बन जाते हैं। हाँ हम जैसे नॉन वेज खाते हैं ऐसे वो डोसे खाते हैं। मासी के हाथ का उपमा भी बहुत टेस्टी होता है, रसम वगैरह सब बना लेती है मासी। पहला खराब ही हो गया, हो गया खराब। और जी हमारा पहला डोसा जो है खराब हो गया है। पहला डोसा हमेशा खराब होता है तवे पे, पर अभी नहीं होता था ना कई दिनों से। हाँ आज हमने ब्लॉगिंग करते करते पहला डोसा जो है खराब कर दिया, अब हम दूसरा बनाएंगे वो बढ़िया बनेगा। क्यों मम्मी? हो सकता है दिन को मैंने बनाई नहीं, अच्छे अच्छे बने थे। हाँ दिन में ब्लॉगिंग नहीं हो रही थी ना। तो जी हमारा सेकंड डोसा, पहले वाला तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ख़राब होता है, और ये बना हमारा सेकंड डोसा। हल्का हल्का सा मम्मी जलना शुरू होने वाला था। हाँ तो ये हमारा डोसा बन गया और हमारा बैटर और ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे अलावा सबने दिन में खा लिया। पर हमारा डोसा अच्छा बना मम्मी, है ना, ये अच्छा बना। और मैं जो बना था डोसा वो मैंने खा लिया, अब सांभर के साथ ये डोसा खाएंगे। क्यों? तो ये मेरा डोसा बन गया, थोड़ा सा मेरा आलू बचा है इसमें, वो मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला डोसा बनाने के लिए। बस ये मैं अपनी कलाकारी दिखा रही हूँ, इसमें मेरा बन चुका है ये डोसा। और ये मेरा डोसा था, ये सांभर, और ये मेरी प्लेट जिसमें से मैं खा भी चुकी हूँ। तो जी बस ये मेरा डोसा और सांभर रेडी है खाने के लिए। तो जी बस खाना वाना खाते हैं हम, अपना अपना सांभर डोसा एंजॉय करते हैं। अच्छा बनाया मम्मी ने, एक खराब हुआ दूसरा सही बन गया। भाभी आपको कुछ कहना है? मेरे मुंह में तो अभी भी सांभर और डोसे का ही स्वाद आ रहा है, तो मेरा अभी अधूरा है, तो फटाफट मैंने कहा व्लॉग एंड कर देते हैं। और आज तो मैं भाभी के पास ही हूँ नीचे, तो पूरी रात आज भाभी भाभी के साथ ही गप्पे मारनी है। अगर ईशू कमरे से बाहर आ जाएगा तो ईशू ने अलग तांडा मचाया हुआ है कि मेरा स्पेस है, मेरा कमरा है। मतलब मेरा रूम था, मैंने उसको दिया, अब उसको ये हो गया कि अब ये मेरा ही कमरा है तो मैं किसी और को इसमें आने नहीं दूंगा। तो अभी उसको भी मनाना है। अभी भाभी गई थी उसको बोलने, थोड़ा भी वो और चिक चिक करेगा फिर रूम खाली करेगा वो। तो बस फिर आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरा आज के व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल कूल छिब्बर को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।